आईपीएल 2022 का 41वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल ने इस मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। पहले मैच में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने नीतीश राणा की अर्धशतक की पारी की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल के सामने जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल से मिली करारी हार से केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी हताश दिखे। इस मैच के बाद पॉइंट टेबल के अंदर भी एक बहुत बड़ा बवाल पैदा हो गया। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है और दिल्ली कैपिटल के लिए भी प्लेऑफ में जगह यहां से आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताएंगे कि केकेआर के शार ने कैसे बाकी टीमों के लिए भी रास्ते कुछ आसान कर दिए हैं, कुछ टीमों के लिए खुल गए हैं समीकरण, और इस मैच के बाद पॉइंट टेबल का क्या है हाल, पूरे प्लेऑफ का गणित आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले। इस मैच के बाद का आइए जानते से खास रिपोर्ट में वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आईपीएल के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने आपको कहा, दिल्ली कैपिटल और कहीं न कहीं केकेआर के लिए मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इस मुकाबले में हार और जीत से पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर एक मुकाबला प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह से झकझोर रहा है। आइए जानते हैं अब इस मुकाबले के बाद क्या है पूरे पॉइंट टेबल का हाल और क्या यहां से कोलकाता प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। पूरा पॉइंट टेबल समझते हैं। गुजरात टाइटंस ने 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं और 14 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है। इस टीम को 6 मुकाबले खेलने हैं और केवल 6 में से 1 मुकाबला जीतते ही ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं गुजरात का प्लेऑफ में जाना तय है। राजस्थान का भी हाल कुछ गुजरात जैसा ही है। 8 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 12 पॉइंट इनके पास में भी है। बचे हुए 6 मुकाबलों में से केवल इन्हें 2 मुकाबले जीतने हैं और अगर ये ऐसा कर जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल का प्लेऑफ में जाना तय है। लेकिन अब बात आती है सनराइजर हैदराबाद की। 8 में से 5 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है और 10 पॉइंट इनके पास में भी है। इस टीम को भी बचे हुए 6 में से केवल 3 मुकाबले जीतने हैं और ऐसा ही हाल लखनऊ सुपर जॉइंट्स का है, चौथे पायदान पर है। 5वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आता है। 9 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। लेकिन अब इस टीम को 5 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 3 मुकाबले हर हाल में जीतने हैं। अगर ये टीम ऐसा कर पाती है तो प्लेऑफ में ये जगह बनाएंगी। दिल्ली कैपिटल की जीत जरूर हुई है लेकिन अभी भी वो 6वें पायदान पर है। 8 में से 4 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 4 हारे हैं और अब 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 6वें पायदान पर है। टीम के लिए जीत के बाद भी प्लेऑफ की राह काफी आसान तो नहीं है क्योंकि अभी भी इस टीम को 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 में से 4 मुकाबले हर हाल में जीतने जरूरी है। यहाँ पर 4 मुकाबले जीत जाएंगे तो फिर ये प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी, अदरवाइज नहीं। पंजाब किंग्स भी 7वें पायदान पर बरकरार है जहाँ 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं। यानी दिल्ली और पंजाब का हाल तो एक ही है लेकिन बात कोलकाता नाइट राइडर की आती है। 9 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ से प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। तो अब इस टीम को अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और 5ों के 5ों जीतने जरूरी है, तभी जाकर वो 10 पॉइंट और अर्जित कर पाएंगी। 6 पॉइंट पहले से हैं, टोटल 16 पॉइंट हो जाएंगी और प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। यानी कि प्लेऑफ की रेस से बाहर तो नहीं हुई है कोलकाता नाइट राइडर, लेकिन अभी भी इस टीम को बचे हुए 5ों के 5ों मुकाबले जीतने जरूरी है और तब जाकर वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी, और जो कि अब लगभग नामुमकिन भी लगता है इस टीम के लिए क्योंकि अब सारे मुकाबले जो कहीं ना कहीं वो बड़ी टीमों के साथ है इनका। 9वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आता है जो 8 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं। इस टीम को भी अभी 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 के 6 मुकाबले जीतने जरूरी है। अगर ये टीम ऐसा कर पाती है तो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी, अदरवाइज ये भी बाहर हो जाएंगी और मुंबई तो पहले से ही बाहर है। लेकिन इस पॉइंट टेबल के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सी टीमें जगह बना पाएंगी और कौन सी नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।